Hey guys, आप फ्री फायर खेलते समय बीआर एंड सीएस एंड लॉन वॉल खेलते समय आपका मोबाइल से एक एरर शो करता है मैच मेकिंग टाइम आउट प्लीज ट्राई अगेन। जिस टाइम से आप खेलते हो तो इस तरह शो करता है जिस वजह से आप गेम ठीक से नहीं खेल पाते हो, इस तरह प्रॉब्लम आपका मोबाइल से देखने के लिए मिलता है। तो आप इसको किस तरह से सॉल्व कर सकते हो तो आज इस वीडियो में बता रहा हूं। तो चलिए वीडियो को बढ़ावा स्टार्ट करती है। बेसिकली इस तरह प्रॉब्लम क्यों देखने के लिए मिलता है मैच मेकिंग टाइम आउट प्लीज ट्राई अगेन, आप कोई ना कोई हैक यूज करते होगा जिस वजह से इस तरह प्रॉब्लम देखने के लिए मिलता है। तो इस फोन को फिश आउट करने के लिए आपको मैं तीनों इजी ट्रिक बताने वाला, तो इस ट्रिक को आप लाइक कर दोगे तो आपका प्रॉब्लम फिक्स हो जाएगा। तो चलिए वीडियो को बड़ा स्टार्ट करती है। तो पहला नंबर ट्रिक, क्योंकि बेसिकली आपका जो आईडी होता है ब्लैक लिस्ट में जा चुका है, इसको ठीक करने के लिए सबसे पहले आपको निक नेम को चेंज कर देना। तो इसलिए आपको क्या करना है, प्रोफाइल ऊपर से क्लिक कर देना और इसके ऊपर से क्लिक करके आपको आपका निक नेम चेंज कर देना, आपको न्यू निक नेम लिख लेना और लिख देने के बाद आपको कन्फर्म ऊपर से क्लिक कर देना। आपका पास नेम कार्ड होना चाहिए, नहीं तो आपका ये नहीं होने वाला। आपको नेम कार्ड आपको परचेस कर देना और इसके बाद आपको नेम को आपको चेंज कर देना। कर देने के बाद ये प्रॉब्लम फिक्स हो जाएगा, लेकिन इस ट्रिक को अप्लाई करने के बाद भी आपका फिक्स नहीं होता है। तो सेकंड नंबर ट्रिक आप हैक यूज करते हो तो इसको आपको डिलीट करना। आप इसको किस तरह से डिलीट करोगे आपको पता नहीं होता है, तो आपको क्या करना पड़ेगा कि आपको फ्री फायर को क्लियर डाटा कर देना, जिस वजह से आपका हैक फाइल जो होता है डिलीट हो जाएगा क्लियर डाटा वजह से, और आपका जो होता है फ्री फायर ऑन से कनेक्ट नहीं हो पाएगा। तो इस ट्रिक को अप्लाई करने के बाद भी आपका फिक्स नहीं होता है। तो थर्ड नंबर ट्रिक आपको क्या करना पड़ेगा कि आपका आईडी को आपको 10 दिन के लिए आपको आईडी को लॉग आउट करके रखना, जिस वजह से आपका ब्लैक लिस्ट ऑटोमेटिकली फिक्स हो जाएगा। इस ट्रिक को अप्लाई करके बहुत सारा आईडी ब्लैक लिस्ट ऑन ब्लैक लिस्ट हो चुका है, इस ट्रिक को आपको अप्लाई करना। तो इस सारे ट्रिक को अप्लाई कर चुकी है, आपको डिलीट कर चुकी है, 10 दिन के लिए आप वेट कर चुकी है, लेकिन आपका आईडी सभी इस तरह प्रॉब्लम देखने के लिए मिलता है। तो आपको क्या करना पड़ेगा कि आपको रिपोर्ट कर देना गैरिना को। रिपोर्ट किस तरह से करोगे तो और वीडियो में आपको बता दूंगा और सारे डिटेल में। तो इस वीडियो बहुत ज्यादा लंबी हो जाएगा तो इसलिए मैं इस वीडियो में नहीं बता सकता, अगला वीडियो में आपको मैं बता दूंगा सारा डिटेल में। इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करो, बेल नोटिफिकेशन को ऑल कर दीजिए। और आपका कितना दिन से हो रहा है इस तरह प्रॉब्लम प्लीज यार कमेंट में बताएं, मुझे भी पता चल पाए। तो चलिए वीडियो को एंड करती है।